हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 20 अगस्त। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब कोई अच्छे होंगे। मैं बना रही थी तीज के लिए मिठाई, भगवान जी को प्रसाद लगाने के लिए कलाकंद बना रही थी मैं। मैंने उसके लिए पनीर लिया था। आप अगर पैकेट वाला मलाई वाला पनीर लेंगे तो हाथ से ही क्रश कर लीजिएगा, और ऐसे जो बाहर मिलता है खुला वाला पनीर, उससे आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए ताकि वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। मैंने कढ़ाई में 1 स्पून घी डाला है और पनीर को फिर डाला, फिर मैंने उसको हल्का ब्राउनिश तक उसे भूनना है। जब ये हल्का ब्राउनिश हो जाए तो आप चीनी डाल दीजिएगा और मिल्क मेड डाल दीजिएगा। जब तक आप जितना आपको जितना थिक पसंद है आप उतना ही थिक रहने दीजिएगा, तो फिर हमारा कलाकंद बनकर तैयार हो जाएगा। फिर मैं ना गणेश पूजा आ रहा था, जैसे तीज था, तीज के अगले दिन गणेश पूजा था, तो फिर मैं बूंदी बना रही थी गणेश जी को भोग लगाने के लिए। तो मैंने बेसन को आधा घंटा पहले ही भिगो दिया था। आप सिर्फ बेसन लीजिएगा और उसमें 1 ही चम्मच ऑयल डालिएगा और उसको अच्छा से मिक्स करके बैटर को रख दीजिएगा। वो अच्छा सा फूल जाएगा तो फिर आप उसको अच्छा से छान सकते हैं, उसका बूंदी भी बहुत अच्छा बनता है। मैंने चाशनी बना लिया था, फिर मैंने बूंदी छान रही थी। लॉकडाउन के वजह से तो बाहर का कोई मिठाई आप खा नहीं सकते हैं, तो घर पे ही सारा करना पड़ रहा है। ये बूंदी छान रही थी मैं गणेश पूजा के लिए, और वो कलाकंद मैं तीज के लिए बना रही थी, जो शिव भगवान को मीठा मिठाई पसंद है, इसलिए मैं वो कलाकंद बनाई थी।
गाना भी बज रहा था और वहीं पे वो डांस कर रहा था। और मैं ये सुबह का नाश्ता अपने लिए बिना लहसुन प्याज का बनाई थी। पाव फास्ट रहते हैं तो वही पाव में अपना जी हम लोग का फास्ट, उसके पहले एक दिन हम बिना लहसुन प्याज का ही खाना खाते हैं, लहसुन प्याज का ही पाव अगले दिन फास्ट रहते हैं हम लोग। मैंने उसमें हल्का सा नींबू भी निचोड़ा था क्योंकि तो प्याज तो खाना ही नहीं है हमें, इसलिए मैंने नींबू हल्का सा डाला था और फिर मैंने खाया। और फिर मैं लंच की तैयारी कर रही थी। मैंने जो अरवी का पत्ता है ना उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था और मैंने चने की दाल भिगोया था, उसमें अदरक और मिर्च को ग्राइंडिंग कर लिया था, फिर उसको मिक्स करा और एक चम्मच उसमें बेसन भी मिक्स की थी और नमक और हल्दी और जीरा पाउडर। और फिर मैंने उसको पकौड़ा छाना था। मैं अपने लंच की ये तैयारी कर रही थी। फिर मैं मैंने फिर करी बनाया था, उसके लिए मैंने पकोड़ा छाना था और मेरा करी चावल और आलू का हल्का सा मैंने फ्राई किया था सारे मसाले डालकर। और फिर हम लोग थोड़ा बाहर गए, मुझे कुछ सामान लाना था इसीलिए मैं थोड़ा बाहर गई थी, पूजा के सामान लाना था। Thank you.
मेरे को थोड़ा बहुत मेहंदी आता था, मैंने उसी वैसे ही लगाया मेहंदी। बाहर तो हम जा नहीं सकते कहीं लगाने, तो मैं खुद से ही लगाई मेहंदी अपना, थोड़ा बहुत आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन को दबना मत भूलिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन मेरा आता रहेगा, आपको इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए आएगा। थैंक यू फॉर वॉच माई चैनल, बाय बाय ऑल ऑफ यू।